गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? तो भाई आज हम फिर शुरू करने वाले हैं अब पुराने लेक्चर्स जो भी अपने पास हमने देख लिए हैं कहां तक, डिफरेंसिबिलिटी तक हो चुके हैं। डिफरेंसिबिलिटी के बाद अब जो उसमें सीट डिस्कशन वगैरह है वो भी नियरली हो चुका है, लगभग एक दो और थोड़ा सा पार्ट यानी एडवांस लेवल प्रॉब्लम बची हुई है। एडवांस लेवल प्रॉब्लम को भी करने के बाद उसको आप साथ साथ करते रहेंगे और बाकी आप अगले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं कि थोड़ा इसमें पढ़ते रहे ताकि जैसे ये थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम होमवर्क आपको दे पाए। तो ये अब आप हम पढ़ेंगे किस क्या लगे कि आप स्टार्ट करेंगे, अपन लोग अब स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ये वो जगह है जहां थोड़ा सा यहां हमको अच्छा लगता है, सहूलियत मिलती है इस वाले चैप्टर में, क्योंकि इसमें इतना सारा दिमाग नहीं लगाना होता है। लेकिन फिर स्टिल मेरा एक बात कहना है कि पहला लेक्चर इसका भी थोड़ा कठिन होने वाला है, क्योंकि पहला लेक्चर बोर्ड से रिलेटेड होगा, जो कि बोर्ड में बातें पूछी जाती हैं उस बात से रिलेटेड होगा। तो हम पहले लेक्चर स्टार्ट, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, नाम है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन MOD, जिसको हम कहते हैं MOD यानी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या कहेंगे इसको? मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। तो आपको पढ़ना है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में सबसे पहली जो हमारी बात रहेगी वो आपको इसका जो क्लास 12th के बोर्ड में अपने पास आता है, बोर्ड के रिलेटेड, बोर्ड के लिए जरूरी है, वो है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट लिखाता हूं, कोई फालतू की बकवास नहीं यहां पे। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव बस डायरेक्ट मैं फार्मूला लिखाता हूं, क्योंकि हमने उसमें पढ़ लिया है बहुत ज्यादा डिफरेंशिएबिलिटी में। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है कि f'x इज इक्वल टू आपका f ऑफ लिमिट, लिमिट x h टेंडिंग टू जीरो, h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कहते हैं। और यहां से आपका जो निकलता है वो f'x निकलता है। इसको कई बार लिखने का, डिनोट करने का तरीका ये भी होता है, ऐसे भी डिनोट किया जाता है कि d/dx ऑफ f ऑफ x। इसका मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x, हम इसको बहुत को आप याद करो तो डिफरेंसिबिलिटी में ये वाला हम फार्मूला पढ़े हुए हैं। डिफरेंसिबिलिटी में a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h पढ़े हुए हैं इस बात को कि h वेरिएबल है यहाँ पे। तो ये आपका इसको क्या पढ़ते हैं, पढ़ते क्या है इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ f, इसको हम पढ़ते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, यानी x के रिस्पेक्ट में, यानी वेरिएबल कौन हो जाएगा डिफरेंशिएशन के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए वेरिएबल हो जाएगा आपका x, डिफरेंशिएशन के लिए वेरिएबल हो जाएगा आपका x, यहां पे वेरिएबल हो जाएगा डिफरेंशिएशन के लिए x हो जाएगा। लेकिन यहां पे लिमिट के लिए वेरिएबल क्या है, h है पहली बात। दूसरी बात यह है कि भाई ये तो ऐसा हो सकता है कि तो सिंपल एक लिमिट है, आप कहा जाए आपसे तो ये तो इधर लिमिट के चैप्टर में ऐसी चीज हुई थी, तो जरूरी नहीं है कि हर चैप्टर में हर जगह लिमिट एग्जिस्ट करे, यानी इसके लिए ये तभी फर्स्ट प्रिंसिपल होगा इफ लिमिट एग्जिस्ट। देखो अलग से मैं इसको यहां पे लिखता हूं, इफ लिमिट एग्जिस्ट या प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट। आपको लिमिट क्या करनी पड़ेगी भाई, लिमिट को एग्जिस्ट करानी पड़ेगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट करनी पड़ेगा, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी हम कहेंगे कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है। बात समझ में आ रहा है, इस पे डायरेक्ट हम सवाल स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास सवाल, मैंने लिखा, देखो मैंने सवाल लिखा कि फाइंड, क्योंकि आपको बोर्ड में ऐसे सवाल पूछता है एक या दो नंबर में, ये सवाल वो होते हैं जो जब ऐसा पूछता है तो हमको लगता है यार ये तो चीजें हमने पढ़ा ही नहीं था। बस इसलिए स्टार्टिंग का 20 मिनट आपको बस थोड़ा ध्यान देना है, बस स्टार्टिंग के 20 मिनट। तो फाइंड डेरिवेटिव ऑफ e की पावर रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव
यानी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से इसका निकालना है। एक बार के लिए मैं एक दो सवाल या तीन सवाल अधिकतम मैं कराऊंगा, उसके बाद आप खुद ही निकालने लगेंगे, समझ जाएंगे कैसे करना है। सबसे पहले आप एक सवाल मेरे साथ पहले देख ले, फिर आप अगले सवाल के लिए कोशिश करेंगे। बताओ एफ एक्स कितना दे रखा है सवाल में, ई की पावर कितना दे रखा है रूट एक्स। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे मांग क्या रहा है कि एफ डैश एक्स मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स हमसे सवाल में कह रहा है किस प्रिंसिपल से, फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला लिखेंगे। आओ फार्मूला लिखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला लिखेंगे कि हम कहेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, प्रिंसिपल ऑफ जो डेरिवेटिव होता है वो आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करा दे तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो जो देखो फटाफट यहां पर रखते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो e की पावर। अब इसका क्या मतलब होता है भाई, x प्लस एच का मतलब जहां जहां x है वहां वहां x प्लस एच पुट हो जाएगा। तो e की पावर अंडर रूट में x प्लस एच माइनस e की पावर अंडर रूट में x बाई एच, ये बात आपके पास आ गई। बात समझ में आ रहा है, क्या आ गई, e की पावर x प्लस एच या आपका ये माइनस e की पावर अंडर रूट x अपॉन एच। ठीक है, एक काम और कर लेते हैं यहाँ पे भाई, कहे का दिक्कत है कि आपका e की पावर x प्लस एच इसको अंडर रूट से अलग तो कर नहीं पाएंगे, तो इसको एक और काम कर लेते हैं फटाफट, आओ जल्दी से तो ये आओ एक और काम कर लेते हैं। क्या करते हैं यहां से e की पावर अंडर रूट x को हमने क्या कर लिया देखो, तो क्योंकि अपने पास कोई चॉइस नहीं यहां पे दिख रही है, तो एक ये भी नहीं, हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि x प्लस एच को अलग अलग करके हम इसको और e की पावर अंडर रूट x कॉमन करें ऐसे अलग अलग करके, तो डायरेक्ट e की पावर x कॉमन कर लेते हैं। और आप एक बात जानते हो कि जहां पे e की पावर x नहीं है वहां पे जाके देखो, एक लाइन के लिए मैं एक बार डिवाइड कर रहा हूं लेकिन मैं इसको लिखूंगा नहीं पूरा, ये यहां पे डिवाइड बाई एच और ये नीचे से ऊपर जाएगा। जरा सोचो ये जिस दिन नीचे से ऊपर जाएगा उस दिन क्या बनेगा, ये जब नीचे से ऊपर जाएगा ये तो पावर में जाके ये चीज यही चीज पावर में जाके माइनस हो जाएगा। तो देखो ये मैंने हटा दिया और यहाँ पे एक ही बार में लिख दिया दो अलग अलग लाइन वेस्ट करने के बजाय कि e की पावर अंडर रूट में एक्स प्लस एच और उसमें से घट गया अंडर रूट एक्स। आई बात समझ में, ये हो गया और माइनस वन नीचे में अभी भी माइनस वन है, यहाँ पे माइनस वन है। अब जरा देखो एक बात याद करो लिमिट में, यहाँ पे देखो लिमिट में एक बात हमने बताया था कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो e की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू होती है वन, या ये मैंने बताया था कि यहाँ पे e की पावर लिमिट कुछ भी हो एक्स टेंडिंग टू ए हो e की पावर सेम माइनस वन अपॉन सेम अगर हो जाएगा वन, अगर एक बात बस ध्यान रहे इफ सेम टेंडिंग टू जीरो, याद करो ये बात रहेगी कि अगर सेम टेंडिंग टू जीरो एज एक्स टेंडिंग टू ए पे, एक्स टेंडिंग टू ए पे सेम टेंडिंग टू जीरो रहेगा तो आपका ये हो गया आपका ऐसा। तो ऐसा हम बनाने की कोशिश करेंगे, देखो e की पावर ऊपर वाले को पहले ये चेक करो कि h टेंडिंग टू जीरो पे ये जीरो हो रहा है कि नहीं ऊपर वाला, जरा देखो तो ये वाला जीरो हो रहा है क्या, तो ये हो रहा है जीरो यहाँ पे देखो। तो जैसे ही अगर हमने बच्चों रखा यहाँ पे h टेंडिंग टू जीरो रखा था, ये देखो तो क्या जीरो की तरफ टेंड कर रहा है क्या, टेन टू जीरो, जैसे एच जीरो रखा तो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स जीरो हो गया। तो अगर ऊपर में जो है वही नीचे में होता तो काम हो जाता। एक और बात मैं आपसे बोल रहा हूँ यहाँ पे, जरा एक बात बताओ e की पावर रूट एक्स में क्या यहां इस लिमिट के लिए वेरिएबल कौन है, लिमिट के लिए कौन वेरिएबल है, h है, तो हम h को तो बाहर नहीं निकाल सकते लेकिन e की पावर x x को तो बाहर निकाल सकते हैं। डेरिवेटिव का क्या वेरिएबल है, डेरिवेटिव का वेरिएबल x है लेकिन लिमिट का क्या वेरिएबल है आपका h। तो हम यहां पे सॉल्व किसको कर रहे हैं, लिमिट को कि डेरिवेटिव को, पहले सॉल्व कर ले लिमिट को, इधर डेरिवेटिव है अपना, तो आपका ये हो गया एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स ये एफ डे ई की पावर रूट एक्स हमने कॉमन कर लिया, लिमिट हो गया, और जो ऊपर है ई की पावर में रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स माइनस वन, उधारी लिया इसकी एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स की उधारी लिया और इसकी उधारी यही की यही चुकता कर दिया। देखो एक्स प्लस एच
माइनस रूट एक्स अपॉन एक अंडर, ये देखो यहीं पर चुकता कर दिया। अच्छा बचा क्या है, पहले से ऑलरेडी पहले से यहां पे क्या था, एच था, तो उस एच को यहां भेज दिया। अब जरा देखो ये वन बनने को तैयार है क्योंकि ये वाली जो चीज है ये सब सेम टेंडिंग टू जीरो हो रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें बच्चों, थोड़ा तो मुश्किल हो गया यहाँ पे, इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो गया। क्या किया जाए, तो इसको सॉल्व कर, क्योंकि जैसे हमने पुट किया तो जीरो बाय जीरो का फॉर्म हो गया, तो एक कोई सुझाव दे सकता है कि सर डीएल लगा दो, बढ़िया बात है। दूसरा कोई सुझाव दे सकता है कि सर अंडर रूट दिखता है तो एक और हम काम करते हैं रेशनलाइजेशन, तो सर रेशनलाइजेशन कर दो, तो चलो रेशनलाइजेशन कर देते हैं। अगली लाइन में, अगली लाइन जाने के बजाय यहीं पे हमको हमको पता है कि इसकी वैल्यू वन हो चुकी है, इसको सॉल्व करना ये भी लिमिट हो जाती, तो एक ही साथ हम लिमिट पुट कर देते हैं, तो रेशनलाइजेशन कर देते हैं क्या, कि एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। अब अच्छी बात यह हो गई कि हमारे पास एफ डैस एक्स की वैल्यू आ गई ई की पावर रूट एक्स, लिखना तो सब पड़ेगा, हम डायरेक्ट ये नहीं कि इसकी वैल्यू हम लिख के हटा लें, ये लिख लिया हमने रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स, एक जगह हो गया। फिर इसकी देखो तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्स एक्स काट दिया, नीचे में एच बचा, ये एच इसको काट दिया है, समझना, पहले एक्स एक्स काटा फिर अगली लाइन में एच एच को काट दिया, क्या बच गया यहाँ पे वन अपॉन एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। अब देखो अब लिमिट हम पुट करने जा रहे हैं, लिमिट पुट करके लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट पुट करके लिखेंगे यहाँ पे, तो देखो लिमिट पुट किया एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ एफ डैश एक्स की वैल्यू, पहले तो e की पावर रूट एक्स एज इट इज बना रहेगा, इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू वन, इस पूरे की वैल्यू वन, ये तो कट के हो चुका है, वहां पे आ गया h इक्वल टू जीरो, ये आ गया इंटू वन अपॉन टू रूट एक्स, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू बाई फर्स्ट प्रिंसिपल आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, अदरवाइज चेन रूल से आप फिजिक्स में भी और मैथ में पीछे कितने बार आप कर चुके हो, इसकी वैल्यू e की पावर रूट एक्स अपॉन टू रूट एक्स होगा, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से जब कहेगा तो इतना सब काम आपको करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, फर्स्ट प्रिंसिपल से, क्योंकि आपको दो से तीन नंबर बोर्ड में चाहिए, जो भी दो नंबर का सवाल पूछेगा या तीन नंबर का सवाल पूछेगा तो हमको बोर्ड में नंबर चाहिए, इसलिए इतना सारा प्रोसेस लगाना पड़ेगा, इतना जान लो, अदरवाइज है तो ये एकदम मतलब पद्धति वर्ग का सवाल है, क्या है कि फटाफट यहाँ पे यहाँ कहा गया सवाल, ये चेन रूल लगाया, चेन रूल क्या बोलता है, चेन रूल क्या बोलता है, बहुत बार पढ़ा होगा चेन रूल, क्या बोलता है चेन रूल भाई, कहता है कि सबसे पहले जिससे मुलाकात हुई उसी को डिफरेंशिएट कर दो, मतलब चेन रूल तो नहीं कहता, जिससे मुलाकात हुई उसी को डिफरेंशिएट करो, सबसे पहले ई से मुलाकात हुई हमने डिफरेंशिएट कर दिया ई को, ई का डिफरेंशिएशन होता है वही का वही, फिर अंदर गए फिर और अंदर बढ़े तो अंदर जिससे मुलाकात हुई मतलब रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन टू रूट एक्स, फिर रूट के डिफरेंशिएशन हो गया, फिर उसके अंदर गए एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन, देखो आंसर वही है, आंसर एक ही बात है, लेकिन ये इस पे आपको नंबर एक भी नहीं मिलेगा। हाँ आईआईटी में आपको सवाल ऐसे ही करना है वैसे नहीं, लेकिन चूंकि आपको बोर्ड में पहले आप बोर्ड वाली बात है, आप एक दो चीज इसमें सीख रहे, एक दो सवाल और कर ले, फिर बाकी तो हम आईआईटी पे लेके चलेंगे फटाफट बहुत जल्दी। तो आओ जरा और एक दो सवाल, एक सवाल और करते हैं अपन लोग हम बच्चों। तो अगला सवाल है बच्चों, सवाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, एसी चालू कर दो भैया, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू अंडर रूट फोर माइनस एक्स, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ वाई इक्वल टू अंडर रूट फोर माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ये मैंने हटा दिया, ये लगा दिया यहां पे लाइन, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके आपको बताना है कि इसका dy by dx निकालना है। तो बताओ बच्चों dy by dx का मतलब हम इसको अपने हिसाब से पढ़ेंगे कि ये f dash x की तरह है अगर fx होता तो, और हम इसका फार्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल अपन लोग जानते हैं लिमिट h टेंडिंग टू जीरो अंडर f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h,
ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, क्या उठा के रख देंगे यहाँ बताओ, उठा के रख देंगे अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर फोर माइनस एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एफ एक्स के जगह पे वही पूरा का पूरा फंक्शन, तो फोर माइनस एक्स अपॉन एच। अब जरा देखो जैसे हमने एच इक्वल टू जीरो पुट किया तो फोर माइनस एक्स क्या हो गया, ऊपर में जीरो नीचे में जीरो, जीरो बाई जीरो का फॉर्म। तो अपना दिमाग कहता है कि सर डीएल लगा लो, लेकिन हम कहते हैं कि डीएल बचना चाहिए क्योंकि एक डिफरेंशिएट कर रहा है अपने आप में बड़ा कठिन काम हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट करने की बजाय एक काम कर लेते हैं हम इसको कि इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। अगर डीएल नहीं लगा सकते तो दूसरा दिमाग आपके पास दौड़ के आएगा, बोलेगा कि ठीक है डीएल नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, एक काम कर लो कि अंडर रूट वगैरह दिख रहा है तो रेशनलाइज कर दो। तो रेशनलाइज कर लेते हैं, यहाँ पे रेशनलाइज करने का मतलब कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो सिर्फ यहाँ पे अंडर रूट फोर माइनस एक्स माइनस एच, देखो मैंने लिख दिया माइनस ये फोर माइनस एक्स और मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे फोर माइनस एक्स माइनस एच प्लस अंडर रूट फोर माइनस एक्स, और यहाँ भी आपके पास आ जाएगा एच इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर फोर माइनस एक्स माइनस एच प्लस अंडर रूट के अंदर फोर माइनस एक्स। अब जैसे ही अब इस बार आपके साथ देखो ये ऊपर में इतना से लेके a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब फोर माइनस एक्स माइनस एच एक बार, फिर माइनस यहां से भी अंडर रूट हट गया फोर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एच इंटू अंडर रूट के अंदर फोर माइनस एक्स माइनस एच प्लस फोर माइनस एक्स अंडर रूट के अंदर, ठीक है। अब इतना करने के बाद जरा देखो तो ये फोर से फोर काटा फिर ये माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया और ये काट दिया माइनस एच प्लस एच को, देखो ये उसके बाद अभी नहीं, अब अगली लाइन मुझे लिखना पड़ता, मैं लिख नहीं रहा हूं, ये एच काट दिया यहां से ऊपर बच गया माइनस वन और बाकी एच लिमिट पुट कर दिया तो ये आपका जीरो हो गया। तो ये आपका आया लिमिट पुट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ऊपर में माइनस वन आया नीचे में क्या आया फोर माइनस एक्स प्लस फोर माइनस एक्स अंडर रूट के अंदर फोर माइनस एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर फोर माइनस एक्स। फाइनली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फर्स्ट प्रिंसिपल से आ गया माइनस वन अपॉन टू अंडर रूट फोर माइनस एक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम चेन रूल से भी करते तो यही करते, सबसे पहले अंडर रूट का डिफरेंशिएशन, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन कितना वन अपॉन टू अंडर रूट, तो वन वन अपॉन टू अंडर रूट वही का वही आ गया, फिर फोर का जीरो एक्स का माइनस वन तो माइनस वन अपॉन टू अंडर रूट फोर माइनस एक्स, ये बात आ जाती। ये एक सवाल हो गया, एक और सवाल लिख लेते हैं तब साथ साथ लगे हाथ एक और सवाल कर ही लेते हैं। जैसे मान लो आपके सामने सवाल लिखा है कि फाइंड एफ डैश रूट थ्री फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स टैन इनवर्स एक्स, एक्स टैन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो एक बात मैं आपको याद दिलाता हूं, एक बात मैं याद दिलाता हूं, डिफरेंशिएबिलिटी के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि एफ डैश ए को एक और नाम देते हैं, आपको याद हो तो मैंने कहा था डिफरेंशियल कोफिशियंट, याद करो इसको, मैंने कहा था कि इसका नाम होता है डिफरेंशियल कोफिशियंट। हम मैंने ये भी कहा था कि तब तक आते आते आप भूल जाओगे कि सर इसको नाम क्या बोलते हैं, तब तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशियंट, एक और एक्स्ट्रा नाम है इसका। और उसके बाद से हम लोग इसमें हमसे कह रहा है कि एफ डैश रूट थ्री निकालना है। अच्छा मैंने एक वर्ड छोड़ दिया यहाँ पे, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, कैसे निकालना है बाय यूजिंग, ये आपका बस क्लास ट्वेल्थ के लिए, मैं इसके बाद मैं नहीं कराऊंगा, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके बताना है। तो ये क्लास ट्वेल्थ में सवाल पूछा जाएगा तो कैसे निकालेंगे, बस उसी लिए हमारा है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ रूट थ्री प्लस एच माइनस एफ ऑफ रूट थ्री अपॉन एच, ये तो फार्मूला हो गया। अब उठा के वैल्यू रखना चालू करते हैं, वैल्यू रखेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अब यहां देखो एक्स के जगह पे रूट थ्री प्लस एच, ठीक है, प्लस टेन इनवर्स, और इस वाले एक्स के जगह पे भी रूट थ्री प्लस एच, फिर माइनस रूट थ्री इंटू टेन इनवर्स रूट थ्री, सीधे सीधे वैल्यू उठा के पुट हो गया डिवाइडेड बाई एच। अब देखो बच्चों,
अब इसके बाद से ऐसा क्या किया जाए कि अपना काम बनता बन जाए, तो एक काम करें रूट थ्री को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रूट थ्री को रूट और एच को अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं ताकि यहां से रूट थ्री कॉमन होते नजर आ रहा है। तो इसके लिए एक काम कर लेते हैं, यहां से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि रूट थ्री टेन इनवर्स रूट थ्री प्लस एच माइनस रूट थ्री टेन इनवर्स रूट थ्री, एक इकट्ठा लिख लिया डिवाइड बाई एच। देखो बच्चों, देखो मैंने अलग अलग भी कर दिया, फिर यहाँ पे प्लस एच टेन इनवर्स रूट थ्री प्लस एच इकट्ठा कर लिया डिवाइडेड बाई एच, ये एच यहाँ पे कट गया, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब आगे वाला काम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखने जा रहा हूं मैं आगे वाला, एफ डैश रूट थ्री इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और देखो तो इन दोनों में से क्या कॉमन हुआ, रूट थ्री कॉमन हो गया, इन दोनों में से रूट थ्री कॉमन हो गया, क्या बच गया tan इनवर्स रूट थ्री प्लस h, tan इनवर्स रूट थ्री प्लस h, tan इनवर्स रूट थ्री प्लस h, और क्या बच गया अपने पास माइनस tan इनवर्स रूट थ्री बाई एच, एक तो ये बचा प्लस आपका यहाँ पे टेन इनवर्स। अब मैं एक काम करता हूँ, लिमिट अलग अलग कर देता हूँ, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो टेन इनवर्स रूट थ्री प्लस एच एक बच गया, ठीक है यहाँ पे हो गया। तो इसके बाद अब आगे अपन लोग क्या करें जरा देखो, तो इसके बाद सोचने की जरूरत है क्या करें, यहाँ पे तो लिमिट पुट करते ही टेन इनवर्स रूट थ्री हो जाएगा, और टेन इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू हम जानते हैं कितना, कितने की वैल्यू रूट थ्री होती है, टेन थर्टी या टेन सिक्सटी, तो टेन सिक्सटी मतलब पाई बाई थ्री, तो इसकी वैल्यू तो पाई बाई थ्री आ गई। इसको जरा देखो तो क्या कर सकते हो बच्चों, इसको क्या कर सकते हो आप, क्या टेन ए माइनस टेन बी का फॉर्मूला टेन एक्स माइनस टेन वाई का आईटीएफ में याद करो मैंने कराया था, क्या आईटीएफ में टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू y, तो यहां पे हो जाएगा रूट थ्री तो बाहर आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो यहां पे हो गया tan इनवर्स, ना ऊपर में हो गया रूट थ्री प्लस एच माइनस रूट थ्री अपॉन, नीचे में आ गया वन प्लस रूट थ्री इंटू रूट थ्री प्लस एच डिवाइडेड बाई एच, प्लस यहां पे सीधे सीधे मैं लिखूंगा tan इनवर्स रूट थ्री, हमने यहां पे लिमिट पुट कर दिया है। लिमिट पुट करने के बाद अब फिर से ये आ गया एफ इनवर्स रूट थ्री, यहाँ पे रूट थ्री, ये देखो तो ये रूट थ्री से रूट थ्री काट दिया, क्या बच गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो टेन इनवर्स, आया अपने पास एच अपॉन वन प्लस रूट थ्री इंटू रूट थ्री प्लस एच और डिवाइडेड बाई एच प्लस पाई बाई सिक्स पाई बाई थ्री, इसकी वैल्यू पाई बाई थ्री। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा अपना ये साफ भी करूंगा, थोड़ा बोर्ड भी अपना साफ करूंगा। इसके बाद से देखो क्या हो गया अपने पास कि ये आपकी वैल्यू आ चुकी है, जैसे ही मैंने एच इक्वल टू जीरो पुट किया तो टेन इनवर्स जीरो नीचे में जीरो, टेन इनवर्स जीरो बाई जीरो मतलब जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट हो गया, यानी या तो एक काम कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या टेन इनवर्स के लिए स्टैंडर्ड लिमिट लगा लें। तो आओ इधर पे मैं बात करता हूँ, स्टैंडर्ड लिमिट लगाने के लिए ही हम बात करेंगे कि अगर हम इसके बाद से अपन लोग काम कर लेते हैं इसमें कि आपका जो ये लिखा है यहाँ पे कि एफ डैश रूट थ्री इक्वल टू लिखा है रूट थ्री इंटू लिमिट लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो टेन इनवर्स एच अपॉन वन प्लस रूट थ्री इंटू रूट थ्री प्लस एच, ये हो गया प्लस अपॉन एच इंटू प्लस पाई बाई थ्री, तो अपना आ चुका है यहाँ पे, तो लिमिट पुट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखो एक बात, स्टैंडर्ड लिमिट याद करो क्या कि टेन इनवर्स सेम बाई सेम इक्वल टू भी वन हो जा रहा था अगर सेम टेंडिंग टू जीरो, याद करो ये वाले हम पढ़े थे ऐसा, ठीक है। तो यार देखो सेम टेंडिंग टू जीरो जा रहा था, उसी से ऊपर नीचे अपन लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा रूट थ्री लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो टेन इनवर्स, क्या हो गया एच अपॉन, ये तो वैसे का वैसे रहने दो रूट थ्री प्लस एच, नीचे में पूरा एच अपॉन वन प्लस रूट थ्री प्लस एच, ये तो हो गया, ये इंटू इसी से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो एच अपॉन वन प्लस रूट थ्री इंटू रूट थ्री प्लस एच, एक तो ये हो गया, दूसरा
दूसरा क्या हो गया बच्चों, दूसरा हो गया पहले से ऑलरेडी एच पड़ा था प्लस पाई बाई सिक्स हो गया, पाई बाई थ्री हो गया। बोलो ये एच से एच काट दिया, इस पूरे की वैल्यू अपन लोग अब कह सकते हैं कि वन है, तो रूट थ्री जैसे लिमिट पुट किया तो यहाँ पे रूट थ्री इंटू वन अपॉन वन प्लस, देखो तो ये कितना बन गया आपका वन प्लस रूट थ्री इंटू रूट थ्री, क्योंकि एच इक्वल टू जीरो पुट होते ही बचेगा थ्री प्लस पाई बाई थ्री। क्या फाइनली आंसर आया, रूट थ्री बाई फोर प्लस पाई बाई थ्री, यही आपका एफ डैश रूट थ्री आ गया। ये तो आपने ऐसे निकाला, पूरा फर्स्ट प्रिंसिपल से ऐसे निकाला। सर अगर हमको चेक करना होगा तो हम कैसे चेक करेंगे, तो देखो फटाफट मैं आपके सामने यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे चेक करेंगे, कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि चेक कैसे करेंगे कि देखो कि अपने पास आंसर जो हम ले आए हैं वो कॉन्फिडेंट है कि नहीं। तो अपने पास एफ एक्स दे रखा था एक्स टैन इनवर्स एक्स, फटाफट अपन देख लेते हैं। पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, u इंटू वी रूल, x इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टेन इनवर्स एक्स, क्या पुट करना है f डैश रूट थ्री, पुट करो तो क्या आया ये रूट थ्री इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे तीन प्लस टेन इनवर्स रूट थ्री, और टेन इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू होती है पाई बाई थ्री, तो पाई थ्री रूट थ्री बाई फोर प्लस पाई बाई थ्री। बोलो देखो आंसर वही आया क्या, तो ये बात आपकी ये सत्य होती है कि आपने जो फर्स्ट प्रिंसिपल यूज किया है वो या ये दोनों ही बात एक ही है। तो ध्यान रहे बच्चों कि आपका फर्स्ट प्रिंसिपल से जब आपसे पूछेगा तो इतना सारा मेहनत करके लाओगे तभी जाके आपका दो या तीन नंबर मिलेगा बोर्ड में। लेकिन अभी हम बोर्ड के आगे बढ़ेंगे, अब आईआईटी के लेवल का सवाल यानी आईआईटी की तरफ इंटर करेंगे, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल छोड़ देंगे, अब हम इसको सीधे डिफरेंशिएशन के एक आध दो सवाल करेंगे, फिर हम धीरे-धीरे उसको अपने लेवल बढ़ाते जाएंगे। और अब थोड़ा सा नेक्स्ट पे अपन लोग बात करते हैं, तो अब हम तो बेसिक प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल फर्स्ट प्रिंसिपल आप डेरिवेटिव तो कर लिए, उस पर सवाल भी कर लिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक दो मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन का लिस्ट लिख देता हूं कि डिफरेंशिएशन स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, ताकि मतलब आगे आपको ये बातें याद हो जाए, ज्यादा दिक्कत न रहे। ये तो हमें पता है कि आपने पढ़ चुके हैं, याद भी होगा। जैसे पहला अगर मैं कहूं कि d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, क्या हो जाता है e की पावर x। दूसरा d बाई डी एक्स ऑफ, हमको पता है कि आपने शायद इसको कहीं ना कहीं जरूर यूज किया है, हर जगह यूज किया है हमने, लेकिन एक बार मैं बस लिस्ट दे देता हूं, बाकी अपन लोग तो आगे पढ़ते रहेंगे, एक बार के लिए लिस्ट रहेगा दिमाग में तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। a की पावर x होता है a की पावर x ln a, फिर तीसरा d बाई डी एक्स ऑफ मान लो कि log x, log बेस e x, ये होता है आपका 1 बाई x, और चौथा d बाई डी एक्स आप मान लो ये साइन x, ये हो जाएगा cos x, पांचवा d बाई डी एक्स आप cos x, ये हो जाएगा साइन x माइनस साइन x, सबसे आसान चीजें हैं ये, छठा d बाई डी एक्स आप tan x, ये हो जाता है आपका sec स्क्वायर x, सातवा सेवेंथ d बाई डी एक्स आप मान लो कि मैंने ले लिया tan के बाद cot x माइनस कोसेक स्क्वायर x, फिर आठवां d बाई डी एक्स ऑफ कौन सा sec x, ये हो जाएगा आपका sec x इंटू टेन एक्स, आठ नाइन्थ d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक x, क्या हो जाएगा ये तो माइनस में कोसेक x इंटू cot x, फिर टेंथ नंबर पे आ जाओ d बाई डी एक्स ऑफ मान लो कि मैंने थोड़ा सा पहले अभी थोड़ा आसानी लिखता हूं साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x ये हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ग्यारह d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x, फर्क कुछ नहीं पड़ता सिर्फ एक माइनस का फर्क पड़ता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, बारह d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखो पीछे हम यूज भी कर विडंबना ये कि हम पीछे इसको यूज कर चुके हैं लेकिन अब हम आपको थोड़ा लिस्ट दे रहे हैं, तेरह क्योंकि अब हम विदाउट फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करने वाले हैं, तेरह थर्टींथ थर्टींथ यहां पे देखो लिख रहा हूं मैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ये हो जाता है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और चौदह नंबर पे d बाई डी एक्स ऑफ
मान लो कि मैंने लिख दिया sec इनवर्स x, ये हो जाता है 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और 15 d/dx ऑफ cosec इनवर्स x हो जाता है 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, इसमें माइनस इसमें प्लस होता है, ये बस ध्यान देंगे यहाँ पे एक ही एक जगह में 16 नहीं माइनस मैंने उल्टा लिख देखा है क्या, कॉस वाले में कहाँ पे है, कॉस वाला यहाँ पे, ये कॉस वाले माइनस होता है, तो यहाँ पे ये नहीं यहाँ पे यहीं पे माइनस होता है कोसेक इनवर्स वाले में। अच्छा इसके बाद मैं 16 नंबर पे अगर आपकी बात करूं तो 16 नंबर पे जैसे कि d/dx आप मुझे बेसिकली बात करनी है मॉड x का, तो मॉड x का डिफ्रेंसिएशन होगा तो कभी भी डायरेक्ट नहीं होगा, हम लिखेंगे कि इसकी दो वैल्यू होगी या तो 1 या तो -1, जब x पॉजिटिव जब x निगेटिव ओपन करके लिखेंगे, हमेशा डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, बात समझ में आ रही है मॉड x का, तो ये आपका रहेगा मतलब डायरेक्ट हम नहीं लिखेंगे, पहले इसको ओपन कर लेंगे कि पॉजिटिव होने पे 1 रहेगा निगेटिव होने पे -1 रहेगा इसका डिफ्रेंसिएशन। फिर 17 नंबर पे अगर मैं आपके सामने रखूं कि किस चीज का d/dx ऑफ एक सबसे पहला सबसे बेसिक जो होना चाहिए था वो मैंने छोड़ दिया है x^n(n)(x^n-1) 18 डायरेक्ट करने के लिए मैं लिख रहा हूं dx ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, अगर इसके अंदर लीनियर हो 19 नंबर पे अगर इसके अंदर लीनियर हो d/dx ऑफ रूट में कुछ ax प्लस b टाइप का हो जाए तो 1/2 अंडर रूट में, यही इसको चेन रूल बोलते हैं, फिर लीनियर का ऊपर में डेरिवेटिव a, ठीक है। 20 नंबर का चेन रूल देखो, मैं चेन रूल धीरे धीरे आपको सामने रखने जा रहा हूँ, ऐसे लिखा है d/dx ऑफ log ax प्लस b, तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/ ए एक्स प्लस बी इंटो ऊपर में मल्टीप्लीकेशन इसका हो जाएगा a, क्योंकि log का डिफरेंशिएशन 1/a होता है, तो 1/x होता है, तो इस तरह से कुछ आपका लिस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, कुछ बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और अगले बोर्ड पे मैं इंपॉर्टेंट ये वाली इंपॉर्टेंट बात अगले वाले बोर्ड पे बताता हूं, तो अगले बोर्ड पे आ जाओ, सम इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, वही जो आपको ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है और याद रखने वाली, इसी से मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन यानी इंटीग्रेशन, तो आपका मैक्सिमम कठिन से कठिन इंटीग्रेशन इसी सब्स्टिट्यूशन से खत्म हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, तो सम इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट। देखो कभी भी अगर आपका ए इसको देखो, कुल मिला के आपको कक्षा 10 के 2-3-4 फार्मूले आपको बस याद रखने हैं, कौन कौन फार्मूले, जैसे एक फार्मूला मैं बताता हूँ, देखो 1 + tan² θ कक्षा 10 में पढ़ा होगा, 1 + tan² x क्या होता है कि आपका ये हो जाता है sec² x, और आपका फिर आपने पढ़ा होगा sec²x-1 क्या हो जाता है, देखो कैसे दिमाग में आया क्या सब्स्टिट्यूट करना है, वो बिल्कुल यही से आता है, ये हो जाएगा tan²x, 1 - sin²x क्या हो जाता है, ये हो जाता है cos²x, आ रही बात समझ में, और कभी 1 + अगर ऐसे कहें कि 1 - cos x लिखा है अपॉन 1 + cos x लिखा है या 1 + cos x लिखा है ऊपर में, नीचे में 1 - cos x लिखा है, तो इन दोनों को ही हम चाहें तो देखो ये आपका क्या बनेगा 2 cos²x/2 / 2 cos²x/2 यानी tan²x/2 बन जाता है, और यहाँ पे 2 cos²x/2 / 1 + cos²x/2, तो ये वाला दिया जाता है आपका कि देखो 1 माइनस वाले को 2 sin² x क्या बन जाता है 2 sin² x/2, नीचे 2 cos² x/2, और ये बन जाता है 2 cos² x/2 / 2 sin² x/2, तो ये 2 से 2 कट गया, देखो ये दोनों ही, ये तो या तो ये tan² x/2 आया या तो cot² x/2 आया, तो बच्चों ये इन्हीं तीनों सब ये 3-4 दिख रहे हैं ना अपने पास, इनका ही कैसे यूज करते हैं आप देखो, अपन लोग कैसे यूज करेंगे, अगर कभी भी a² - x² आपके सामने आ जाए, a² + x² आ जाए, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, पुट x = या तो a cos a, क्या देखो यहां से क्या रखेंगे किसके हो, a + x² कहां पे है, या तो +x² है, देखो +tan² है, या तो x² - 1 है मतलब sec² - 1 है, या -x² है, तो इसमें रखेंगे a tan
थीटा, ठीक है। और यहां से एक और साथ में लिख लेंगे कि थीटा बराबर हो जाएगा एक्स वाई, ये देखो एक्स वाई ए इधर हो जाएगा टेन थीटा बराबर, मैं पूरा क्लियरली लिखता हूं कि टेन थीटा बराबर हो जाएगा एक्स वाई ए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स वाई ए, ये लास्ट में सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो पहला ये, दूसरा देखो अगर मान लो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया तो क्या पुट करेंगे, उठा के चुपचाप रख देना है एक्स बराबर, देखो कौन सा वाले में है सेकेंड वाले में से क्या ए सेक थीटा, आ रही बात समझ में। तीसरा जरा देखो ए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ तो क्या पुट करेंगे, पुट एक्स बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा कुछ भी, या x इक्वल टू ए कॉस थीटा कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से आंसर सेम आएगा, सिर्फ एक माइनस प्लस का फर्क रहेगा। चौथा अगर कभी a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स रहा या आपका a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स रहा कहीं ऐसे दिख जाए तो उठा कर रख देना है पुट x बराबर या तो a cos थीटा रखो या आप x बराबर a cos 2 थीटा रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, बात समझ में आ रही है। तो ये चार सब्स्टिट्यूशन बहुत काम आएंगे इसमें पूरे अपने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में। और पता है मजे की बात यह है कि इंटीग्रेशन में मैक्सिमम बहुत ज्यादा है, जहां भी कहीं हम इंटीग्रेशन में फंसते हैं और ये चीज डिनोमिनेटर में या अंडर रूट में दिखती है हम फटाफट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इससे हमारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आसान हो जाता है, दिखने लगता है। अरे बात समझ में, अब थोड़ी सी मेरे पास उतनी जगह बची है बोर्ड हटाने से पहले, तो उसको हम उस जगह का यूज कर लेते हैं। चलो एक और सवाल लिख लेते हैं, जैसे मैंने एक सवाल लिखा फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स की पावर वन बाई फोर, वन प्लस एक्स की पावर वन बाई टू, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई फोर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये एक सिंपल सा मैंने सवाल दे रखा है। अब जब देखो सवाल देख के ऐसा मन में एक कौतूहल हो रहा होगा, मन में एकदम कौतूहल मचा होगा कि बस इसको मैं अलग यू वी डब्ल्यू मान के फटाफट निकाल लूं, नहीं इतनी जल्दी जल्दीबाजी कोई जरूरी ठीक नहीं है, धीरे धीरे करते हैं ना इसको, x की पावर 1 माइनस एक्स की पावर 1 बाई फोर यहां भी है, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई फोर यहां भी है, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या a प्लस बी ए माइनस बी, और ये दोनों देखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब किसी काम की चीज तो लिखा है यहां पे। तो एफ एक्स को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्या कि ये लिखा है 1 माइनस एक्स की पावर 1 बाई फोर, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई फोर, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई टू, फिर यहां पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, 1 माइनस एक्स की पावर 1 बाई टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 से 2 एक कटेगा तो बचेगा ये, और 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई टू, बोलो बच्चों क्या a माइनस बी ए प्लस बी फिर से आया क्या, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू सिंपल ये आ गया, बोलो एफ डैश एक्स कितना हो गया, आंसर आपका हो गया माइनस 1, बोलो बात समझ में आई। तो ये एक सवाल हो गया, एक और सवाल चलो मैं लिख देता हूँ फटाफट, मेरे पास जगह है वैसे तो इस जगह का मैं यूज करके एक और सवाल लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो मैंने यहाँ पे लिखा सवाल को आपके सामने कि क्वेश्चन लिखा फाइंड या इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स देन प्रूव दैट, देखो अभी सब आसान आसान चल रहा है सिर्फ इसलिए ताकि आप सीख लो इन सब चीजों को, देन प्रूव दैट, अभी इसके बाद इस सवाल के बाद मैं लेवल अप करूंगा, लेवल थोड़ा सा बढ़ाऊंगा सवालों का, देन प्रूव दैट आपको प्रूव करना है कि एफ डैश एक्स हो जाएगा टू मॉड एक्स, ठीक है। तो जैसे ही मॉड आएगा तो आप फटाफट ये नहीं कि जैसे मॉड आया तो आप डिफरेंशिएट वैसे आंखें मुंह के अंधाधुंध कर रहे हैं, नहीं अंधाधुंध काम नहीं करना है, क्या करना है इसको पहले एफ एक्स को प्रॉपरली बिल्कुल फंक्शन बना के लिख लो कि अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो क्या होगा और एक्स निगेटिव होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो डेरिवेटिव में बड़ा काम किया था हम लोगों ने, जब डिफरेंसिबिलिटी चेक कर रहे थे तो ये ग्रेटर लेस देन दिखते ही बहुत काम किया था, एफ डैश एक्स फटाफट निकाला था हम लोगों ने, क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, ये देखो टू एक्स और यहां पे माइनस टू एक्स,
क्या कह रहा है, कब, जब x पॉजिटिव है तो और जब x निगेटिव है तो। बताओ बच्चों, जब ये अपने पास आया x पॉजिटिव और x निगेटिव है तो इसके लिए क्या हम इसको एक साथ मिला के लिख सकते हैं क्या है कि ये 2 mod x लिखा है, जब पॉजिटिव निगेटिव पे खुलना होगा तो खुल जाएगा। तो बोलो क्या इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि therefore f dash x is nothing but 2 mod x, जब हम इसको मिला के लिखेंगे, ओपन करना होगा तो बोलो बिल्कुल यही ओपन होगा, तो बिल्कुल प्रूफ हो गया कि f x equal to x mod x का डिफरेंशिएशन 2 mod x। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद हम आगे थोड़ा सा सवालों का लेवल बढ़ाएंगे, बहुत आसान सवाल हो चुके हैं, अब सवालों का लेवल बढ़ाएंगे और अच्छे सवाल करेंगे। अब अच्छे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल मैं ले रहा हूं, जैसे मान लो अभी भी थोड़ा सा हल्का सवाल लिया, ज्यादा कठिन नहीं। मैंने लिखा कि इफ y इज इक्वल टू, मैं सवाल लिख रहा हूँ y इक्वल टू, मान लो ऐसे लिखा है f ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 ये, एंड f डैश x इज इक्वल टू साइन x स्क्वायर, देन फाइंड, देखो बेटा यहां पे then find dy by dx। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सवाल का हल्का सा लेवल अप किया हूँ, हल्का सा लेवल अप, बाकी अगले लेक्चर में इस सवालों को बिल्कुल इनसे अलग ही हम बात करेंगे, अलग ही लेवल पे बात करेंगे। तो ये आपका जैसे सॉल्यूशन पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो कह रहा है dy by dx, तो हम पहले dy by dx निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली मुलाकात किससे, चेन रूल लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे अपने आप समझ में आ रहा है कि चेन रूल अप्लाई होना है, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन पड़ा है, f के अंदर ये है तो फंक्शन के अंदर फंक्शन पड़ा है, तो सबसे पहले मुलाकात हमारी f से हुई तो हम इसको, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश x, सिंपल है ये लिखने का कि f डैश हो जाएगा और ये बाकी जो अंदर में है मैटर वो चेंज नहीं होगा। फिर अंदर जाएंगे तो u by v फॉर्म में आएगा, u by v फॉर्म में आते ही नीचे वाले का होल स्क्वायर जाता है, फिर नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x। अच्छा इसके अलावा dy by dx उसका तो हम ज्यादा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, वो तो ऐसे ही रहेगा। इसमें देखो f डैश x के जगह पे ये पुट है, तो x के जगह पे अगर मैं f डैश के जगह पे ये चेंज कर दूं तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर इनटू यहाँ पे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। फर्दर आप क्या करो, इसको इसमें से घटा उठा के आंसर जो भी निकालना हो आंसर निकाल दो, तो यही आपका dy by dx हो जाएगा। तब मैंने बस अभी भी सिंपल स्टेप सिंपल सवाल ले रखा हूं, आज के लेक्चर में हमने सिर्फ पढ़ा है क्या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव और उससे रिलेटेड दो तीन सवाल, फिर आपका मैंने हर तरह के सवाल करा दिया। एक तो डायरेक्ट जब f डैश समथिंग f डैश कांस्टेंट पूछेगा वो भी, और दूसरा मैंने आपके सामने एक और सवाल करा दिया कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से पूछेगा, तो मैंने दोनों तरह के सवाल आपके सामने रख दिए हैं। अब इसके बाद मैंने कुछ आपको आज और क्या बताया, डेरिवेटिव कुछ लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट जो कि नहीं है मेरे हिसाब से, वो सबको आती होगी। इसके बाद से ये आपका कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन। अब कल से जब हम बात करेंगे यानी अगले लेक्चर पे जब हम जाएंगे तो वहां पे इन चीजों का यानी कोई फंक्शन ऑड होगा इवन होगा तो डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, कुछ गिवन होगा तो कैसे निकलेगा, आईआईटी में कैसे बात करता है, उस पे हम अब नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। चलो आज के लिए जय बाय बाय, जय हिंद।